नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर आईक्यू जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक बायोलॉजी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके ग्रुप डी एवं एनटीपीसी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है? तो ऑप्शन दिया है कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बन। इन्हें देखकर इस ऑप्शन को चूज करना है कि क्या सही होगा। तो हड्डियों की कमजोरी का मेन कारण दो होता है, पहला कि कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। तो ऑप्शन में ए सही रहेगा, एक और दो ओनली, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। अगला प्रश्न है, कीट काटने के कारण खुजली होने का क्या कारण है? जो कीट काटता है तो कौन सी एसिड यानी कि कौन सा इस अम्ल वो छोड़ता है जिसके कारण खुजली होती है, जलन होती है? ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एवं मैलिक एसिड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के कारण जब कीट मनुष्य को काटती है, हम सबको काटती है, उस वाले भाग पर, उस वाले जगह पर खुजली होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पशु उत्कों में से कौन सा हार्मोन और उष्मा का परिवहन करता है और पानी की शेष मात्रा को बनाए रखता है? ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ब्लड, नर्वस टिश्यू। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लड। ब्लड पशु उत्कों में, पशुओं में वैसा उत्तक है जो हार्मोन और उष्मा का परिवहन करता है और पानी की शेष मात्रा को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, एक पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा संरचना प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है जाइलम, रूट, ऑस्टोमेटा, वार्क यानी कि छाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्टोमेटा यानी कि रंध्र। पौधों में रंध्र की संरचनाओं में से एक ऐसा संरचना है जो प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पानी जो पौधे की जड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध है, वो किस कारण से उपलब्ध है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण पानी, केशिका पानी, हाइड्रोस्कोपिक पानी या बाउंड वाटर यानी कि सीमित जल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी सिस्टम के कारण पौधों की जड़ों के लिए पानी बहुत सुलभता यानी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसा कि जानते हैं कैपिलरी सिस्टम यानी कैपिलरी वाटर दिए में जिस प्रकार से काम करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है दिए या लैंप का फ्यूल, उसी तरीके से कैपिलरी सिस्टम उसे कहते हैं। उसी सिस्टम के अनुसार जड़ों में, पौधे की जड़ों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता का कारण क्या होता है? ऑप्शन है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफी, बैसिलस एंथ्रेसिस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। यह सभी ऑप्शन एक वायरस का रूप है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम यानी कि मस्तिष्क, थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। सेरिबेलम के कारण मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एक जंतु कोशिका के भीतर जीव द्रव का सबसे प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक घटक क्या है? ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम, वाटर, आयरन एवं फास्फेट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर। एक जंतु कोशिका के भीतर जीव द्रव का सबसे प्रचुर मात्रा में जो अकार्बनिक घटक है वो है जल यानी कि वाटर। अगला प्रश्न, मेंडल का नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त के सभी। तो मेंडल का नियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यौन प्रजनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है यानी चिटिन, सबरीन, सेलुलोज, क्यूटीन। तो सवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है।
सेलुलोज के द्वारा शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? ऑप्शन है स्टेम, तना, रूट, लीव, फ्रूट यानी फल। तो प्याज लीव का एक रूपांतरित रूप है, प्याज पत्तियों का एक रूपांतरण फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक किस्म से आरएनए की आनुवांशिक जानकारी के प्रतिलिपि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफर, ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन या म्यूटेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलिपि। डीएनए के एक किस्म से आरएनए की आनुवांशिक जानकारी के प्रतिलिपि की प्रक्रिया को प्रतिलिपि यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, कर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, यूट्रेना व वजाइना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग महिला प्रजनन का भाग नहीं है, यह मनुष्यों का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के जीव में आनुवांशिक गुणों का नियामक है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन और आरएनए, डीएनए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डीएनए। डीएनए कोशिकाओं के जीव में आनुवांशिक गुणों का नियामक है। अगला प्रश्न है, खमीर एक है यानी खमीर क्या है? ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, फंगी, एल्गी या बैक्टीरिया। तो खमीर है, खमीर एक फंगी है यानी कि कवक है। अगला प्रश्न है, तनों की वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ऑक्सीमीटर, सिस्मोमीटर, फोटोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीमीटर। तनों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की खाद्य सामग्री को उसके विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है यानी किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑप्शन है जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम एवं पित। तो पौधों की खाद्य सामग्री को फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे पेशियों में पीड़ा होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है डाल्टन, साल्क, वाटसन एवं क्रिक एवं लेवेनहॉक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया था। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया इनमें से क्या होता है? यानी हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया हो जाने का कारण लक्षण क्या होता है? ऑप्शन है हीमोलिसिस, ब्लड डजंट क्लॉट यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी स्टिक्स यानी कि आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी बिकम सेलुलर ट्रॉफिक यानी डब्ल्यूबीसी सेलुलर ट्रॉफिक बन जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लड डजंट क्लॉट। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे युद्ध के पुर्तगाली पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्रेसिलिया, हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिलिया। प्रेसिलिया को युद्ध के पुर्तगाली पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा एक उदाहरण है? ऑप्शन है फिश क्लास का, मैमथ क्लास का, रेप्टाइल क्लास का या मोलस्का वर्ग का। समुद्री घोड़ा फिश क्लास का एक उदाहरण है यानी कि समुद्री घोड़ा फिश प्रजाति से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? ऑप्शन है क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश वास्तविक में एक मछली है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस क्या है? ऑप्शन है संयुक्त अंग, सॉफ्टन बॉडी या हेमिकॉर्डेटा या फोर आइज वाली जीव। सही आंसर है ऑप्शन बी,
सॉफ्टन बॉडी, ऑक्टोपस एक सॉफ्टन बॉडी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उड़ानहीन पक्षी जो सबसे तेज गति से चल सकता है। ऑप्शन है पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच या इमू। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। धरती पर सबसे बड़ा उड़नहीन यानी कि जो उड़ नहीं सकता वो पक्षी शुतुरमुर्ग है। ये बहुत ही तेज गति से चल सकती है। ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया में सबसे बड़ा अंडा होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।